Good morning, students. Today I am back with the part 2 of your preposition. So here you can see, in first part we have already started the preposition till preposition of movement. So we have done till the preposition of movement. Here I am going to explain you or you to teach the quick revision of preposition of movement. After this we will continue. Preposition of movement. In preposition of movement, what we learn, these are quite easy to understand as they are less abstract than preposition of place and time. जितना हम place और time में इसको देखते हैं, उतने ये preposition काफी ज़्यादा easy हैं in comparison to our place, preposition of place or in preposition of time. Essentially, they describe how something or someone moves from one place to another. और इसके बाद में अगर हम ये देखें तो ये डिस्क्राइब करते हैं कैसे कोई चीज या कुछ मूव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर. द मूवमेंट, द मोस्ट कॉमनली यूज प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट इज टू. जो ज्यादातर हमारे यूज में आता है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट वो क्या है? टू. वी यूज टू इन मेनी टाइम्स विच यूजली सर्व to highlight that there is movement towards a specific destination. As we have already done this preposition of movement, examples are, okay, examples kya hai, he has gone on vacation to France. She went to the bowling alley every Friday last summer. I will go to bed when I am tired. They will go to the zoo if they finish their errands. Got it? Come to the next. Other aur bhi hain jo except two ke अलावा है वहां पर, सिर्फ टू और भी हैं अदर मोर स्पेसिफिक प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट जो कि इंक्लूड करते हैं अदर देन टू. तो क्या है वो? वो है थ्रू, अक्रॉस, ऑफ, डाउन एंड इनटू. दीस प्रेपोजिशन कैन समटाइम गेट मिक्स्ड अप विद अदर्स और ये कई बार क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं बाकी अदर प्रेपोजिशन से भी. व्हाइल दे आर सिमिलर, ये सिमिलर भी यूज करते हैं, दे हैव इंडिविजुअल मीनिंग्स दैट ऐड कॉन्टेक्स्ट टू द मूवमेंट. Across refers to moving from one side to another. और across जो है तब हम use करते हैं जब हम एक चीज से दूसरी चीज में shift हो रहे हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो. जैसे कि Mike traveled across America on his motorcycle. Rebecca and Judy are swimming across the lake. Mike जो है travel कर रहा है America across the across on his motorcycle और Rebecca और Judy जो है swim कर रहे हैं across the lake. टू रेफर करता है टू मूविंग डायरेक्टली इनसाइड समथिंग एंड आउट द अदर एंड. वो एक साइड से एंटर हो रहा है, दूसरी साइड से बाहर हो रहा है, आउट हो रहा है. द बुलेट बैन शॉर्ट बैन थ्रू द विंडो, द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल. गॉट इट? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल. कम टू द इनटू. तो इनटू यह रेफर करता है एंटरिंग और लुकिंग इनसाइड द समथिंग. जब किसी चीज को आप एंटर करते हो, किसी चीज में आप एंटर करते हो या किसी चीज को आप देखते हो तो हम यूज करते हैं इनटू. देखो इन और इनटू में व्हाट इज द डिफरेंस इन इन और इनटू. इन वी आर इन द क्लास, वी आर इन द रूम. ठीक है, इनटू में ये होता है जब हम एंटर कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग इनटू द रूम, वी आर एंटरिंग इनटू द क्लास, तो हम यूज करते हैं इनटू. जेम्स वेंट इनटू द रूम, दे स्टेयर इनटू द डार्कनेस. Up, over, down, past and around indicate directions of movement. Jack went up the hill. Jill came tumbling down after. We will travel over rough terrain on our way to grandma's house. The horse runs around the track all morning. A car zooms past a truck on the highway. Come to the next. प्रेपोजिशन विद वर्ब्स. अब अगर वर्ब्स की बात करें तो प्रेपोजिशन वर्ब्स के साथ में कैसे लगते हैं, वो कैसे होता है? तो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल वर्ब्स है यहाँ पे, फ्रेजल कॉम्बिनेशन होता है वर्ब्स का और प्रेपोजिशन का. कैसे? वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच में आता है. प्रेपोजिशन अगेन वो फिर से एक्ट करता है और वो लिंक बनाता है, मतलब कोरिलेट करता है, एक कनेक्शन बनाता है, एक रिलेशन बनाता है वर्ब और नाउन के बीच में. वर्ब क्या होती है? जो आपकी वर्क है करने वाला, वर्क या कह लो
एक्शन वर्ड्स, गॉट इट? नाउ जो आपकी संज्ञा है, जो आपका नेम प्लेस एनिमल थिंग है, जेरेंड जो आपकी आईएनजी वाली फॉर्म, और यू कैन से द फोर्थ फॉर्म ऑफ द योर वर्ब गिविंग एक्स्ट्रा मीनिंग टू द सेंटेंस. वो एक्स्ट्रा मीनिंग देते हैं सेंटेंस को. प्रीपोजिशंस जो है ज्यादातर कॉमनली यूज होते हैं वर्ब से, टू, फॉर, अबाउट, ऑफ, इन, एट एंड फ्रॉम. ये गुड न्यूज है इसकी कि दीज विल ऑलवेज कम आफ्टर द वर्ब. ये हमेशा वर्ब के बाद में ही लगता है इन सेंटेंस. इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट द प्रीपोजिशनल वर्ब कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग कंपेयर टू द ओरिजिनल वर्ब. यहाँ पर ये भी नोट करना जाना चाहिए कि प्रीपोजिशनल वर्ब जो है वो स्लाइटली हल्का सा डिफरेंट पड़ता है जब हम कंपेयर करें ओरिजिनल वर्ब, क्योंकि उसमें कुछ भी ईडी, आईएनजी, डीटी कुछ ना कुछ ऐड होगा. मतलब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कुछ तो ऐसी होगी उसकी मेन वर्ब के साथ, मेन रूट वर्ब के साथ में इंक्लूड है. फॉर एग्जांपल, टू रिलेट अ स्टोरी सिंपली मीन्स टू टेल अ स्टोरी. किसी को आप रिलेट कर रहे हो स्टोरी को, आप किसी को कहानी सुना रहे हो और वो रिलेट करके सुना रहे हो, इसका मतलब आप उसको एक स्टोरी बता रहे हो. To relate to a story means you identify with it. और किसी चीज से आप उसको relate कर रहे हो, मतलब आप उसको identify करना सिखा रहे हो. Find some personally meaning in that story. और कुछ personal meaning आप उसको find out करोगे उस story. Come to the next. Verb plus to. अब अगर बात करें verb plus to की, तो verb plus to में क्या होगा? He admitted to the charge. यहाँ पर क्या है? I go to Vancouver on vacation twice a year. या कि verb plus to जो आपका है ना, verb plus to. यहाँ आप देख लें और उसी से correlate कर लें, so that you can get it. Villain can relate to the character in the play. Verb plus for, he must apologize for his action. We search for ages. Before we found the perfect apartment, I provide for my family by working two jobs. Come to the next. Work plus with. अगर बात करें work plus, ये सारे preposition हैं जो with verb आ रहे हैं, मतलब verb के साथ में include होके आ रहे हैं, उसमें involve होके आ रहे हैं. I don't agree with your claim. The lawyer said he will meet with your representative. They began with a quick warm-up. Got it? Now come to the verb plus of. I dream of a better life. Have you heard of Shakespeare? The bread consists of dough, raisins and a little honey. Ab yahan dekh sakte ho different types of preposition ka use. There I am using here different types of preposition by adding verb in it. Okay? Verb plus end. Does Rick believe in miracles? Fallon lives in New York. The bus accident resulted in my being late to work. Verb plus act. We arrive at our destination. Lenny excels at singing. Will the baby smile at her mother? Verb plus on. अगर बात करें verb plus on की, तो इसमें क्या होगा? We should really concentrate on our studies now. Helen insisted on Brenda's company. Morris experimented on some canvas. Verb plus from. Since turning 80, she suffers from lapses in concentration. Dad retired from the Navy in the 1970s. Billy Bob, please refrain from doing that. Now, preposition with adjective. अब आप देखते हो preposition जो है सबकी belongings बताता है, preposition का काम ही है उनको link up करें, उनसे correlate करें, उनका relation बताए, एक connection बना के रखे किसी भी word में जो भी given है. तो इसमें आप देखेंगे preposition जो है, अभी हमने verb के साथ पढ़ा, अब now come to the preposition with adjective. Adjective के साथ वो क्या काम करता है, वो कैसे verb का link करता है, कैसे relate करता है, कैसे connectivity रखता है. Prepositions can form phrases with adjectives to give further context to the action. Action देने में, emotion में, या चीज में,
जो एडजेक्टिव में डिस्क्राइब कर रहा है, लाइक वर्ब्स एंड नाउन्स. जैसे कि वर्ब और नाउन्स हैं. एडजेक्टिव्स कैन बी फॉलोड बाय, एडजेक्टिव किससे फॉलो करता है? टू, अबाउट, इन, फॉर, विद, एट, बाय. ठीक है, ये सब एडजेक्टिव से फॉलो करते हैं. आई एम हैप्पीली मैरिड टू डैविड. एली इज क्रेजी अबाउट दिस मूवी. मिशेल इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. वी आर सॉरी फॉर हर लॉस. जेन विल बी डिलाइटेड विद हर रिजल्ट. इज ही स्टिल एंग्री एट द वर्ल्ड? द एंटायर रूम वॉज एस्टोनिश्ड बाय द इलेक्शन रिजल्ट. लेकिन समटाइम्स वी आर पैटर्न इन डिस्क्राइबिंग विच प्रेपोजिशन गो विथ एडजेक्टिव. यहाँ पे कुछ भी ऐसा है जो प्रेपोजिशन एडजेक्टिव के साथ जाता है. कुछ पैटर्न ऐसे हो जाते हैं कुछ डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, जब एडजेक्टिव जो है सेम या वेरी सिमिलर मीनिंग देता है एक दूसरे से, जब या तो किसी सेम है या फिर कुछ उससे मिलता जुलता, उससे कोरिलेट करके कुछ मीनिंग दे रहा है एक दूसरे से, तो वो देखते हैं कि वो सेम प्रेपोजिशन तो नहीं, या वो सेम हो सकते हैं. फ्राइटन ऑफ, just like that, afraid of, scared of, terrified of, indeed, इनकी जगह जब adjective opposite meaning देते हैं तो they might also take the same preposition. तो same preposition पे वो भी ले सकते हैं. good at, great at, superb at, wonderful at, bad at, terrible at, woeful at, inept at. there are always many exceptions. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे words हैं जिनका कुछ हमेशा exceptions रहा है to the above, ऊपर दिए हुए हैं. but it can help that there seems to be some consistency. ये help करता है कुछ बताने के लिए कि वो consistency बता रहा है. when adjectives have the same meaning or opposite meaning, वो consistency show करता है जब या तो उसके similar meaning होते हैं या उसके opposite meaning होते हैं. Here I am giving just the exercise for your practicing. Here you can see following exercise will help you gain greater understanding. अब आप यहाँ देखोगे तो आपको different exercise मिलेगी और different कुछ सीखने को मिलेगा उसमें. The bone was dash the dog. What do you feel in it? The bone was about the dog, for the dog, after the dog, or considering the dog. Of course, the bone was for the dog. Bone किसके लिए है? Dog के लिए है. We are going on vacation dash August. We are going on vacation on August, at August, in August, yes, since August. When we go? We are going on vacation in August. Got it? Please put the vase dash the table. In the table, on the table, for the table or over the table? Of course, on the table. ठीक है, वास को हम on the table ही करेंगे. I received a present dash Janet. I received a present from Janet, of Janet, by Janet या about Janet? From Janet. Janet से received किया. School begins dash Monday. School begins in Monday, on Monday, from Monday, or since Monday? On Monday. So students, here were the some preposition which you can easily understand, and I think it is clear to you all. So it will help you to understand the prepositional verb, prepositional adjective, prepositional phrases, prepositional clauses, whatever is in your related with preposition, they will help you. Just focus on it and see the video. Thank you.